हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लॉयर्स रूम। आज का हमारा टॉपिक है कन्फेशन, मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें, सेव करें और मुझे फॉलो करें। और मुझे फॉलो करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सकें और मेरी सारी वीडियोज़ देख सकें। कन्फेशन का मीनिंग है वॉलेंट्री स्टेटमेंट देना, मतलब अपनी खुद की इच्छा से बयान देना। मेड बाय द एक्यूज्ड गिल्टी ऑफ क्राइम, कि वह क्राइम के लिए गिल्टी है, उसने क्राइम किया है। और ये तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वो अपना गिल्ट खुद कमिट नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने मर्डर किया और उसने बोला कि ये जो उस जिस जिस चीज़ से उसने मर्डर किया वेपन से, वो किसी एक्स जगह पे मिलेगी और वहाँ पे वेपन मिल जाता है, तो जो कन्फेशन उसने जो किया है वेपन से, उससे ये सिद्ध नहीं होता कि उसने क्राइम किया है और उसका गिल्ट सिद्ध नहीं होता है। तो दोनों में डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे ये कितने टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है जुडिशियल और सेकंड होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल जो होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने होता है अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो होता है वो कोर्ट के बाहर होता है किसी भी व्यक्ति के सामने, जिसे बाद में उसे प्रूफ करना पड़ता है। जनरल रूल क्या है कन्फेशन का, कि कन्फेशन कैन बी एक्सेप्टेड, मतलब स्वीकार कर सकते हैं किसी का कन्फेक्शन, या उसका कन्फेक्शन रिजेक्ट भी कर सकते हैं पूरा का पूरा। कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज्ड कांट बी यूज्ड फॉर को एक्यूज्ड, मतलब कि जो अपराधी है उसका कन्फेशन हम किसी उसके साथी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन की, मतलब अपनी बात से पीछे हटना। तो ये क्या होता है, जब कोई इंसान पहले अपनी बात बोलता है स्व इच्छा से ट्रायल कोर्ट में, ट्रायल के टाइम पे, और बाद में उस बात से वो पीछे हट जाता है और मना कर देता है, तो हम उसको बोलते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन। और ये सपोर्ट करना पड़ता है बट उसको किसी चीज़ से या किसी एविडेंस से। एक कन्फेशन के लिए क्या क्या एसेंशियल होते हैं। सबसे पहले तो कि वो अपराधी द्वारा किया जाना चाहिए, मेड ओनली बाय एक्यूज्ड, स्व इच्छा से होना चाहिए, वॉलेंटरली, मस्ट अफेक्ट कन्फेसर, मतलब जो कन्फेशन कर रहा है उसके ऊपर उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, कुछ असर होना चाहिए, मजिस्ट्रेट के सामने देना पड़ता है या किसी और पर्सन के सामने देता है तो उसके साथ उसको एविडेंस देना पड़ता है। अपने गिल्ट को एडमिट करने का मतलब होता है कन्फेशन। ये ओरल भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट्री तरीके से भी हो सकता है, किसी कागज़ पे भी हो सकता है। ये डेफिनाइट होता है और सर्टन होता है, मतलब बहुत पर्टिकुलर होता है अपने जो भी वो कन्फेशन करता है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 164 कन्फेशन की, जिसे बोला जाता है सब्सटेंसिटिव एविडेंस। अब ये कोर्ट में न्यायालय के सामने दिया जाता है, जज के सामने, या मतलब बोल सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो या JMFC जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो, उसके सामने दिया जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन या उसके बाद में, बट ट्रायल शुरू होने के पहले कभी भी रिकॉर्ड कर सकती है कोर्ट। कोर्ट एक्यूज को मजबूर नहीं कर सकती है कि उसको ज़बरदस्ती कन्फेशन करना होगा। अगर कन्फेशन नहीं करता है कोई एक्यूज्ड अपराधी तो मजिस्ट्रेट उसको डिटेन नहीं कर सकता कस्टडी में, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता। इस वजह से कन्फेशन जो है वो एक्यूज्ड को साइन करना पड़ता है और मीटिंग MOM बनाना पड़ता है मजिस्ट्रेट को, और उस पर फिर मजिस्ट्रेट भी साइन करता है। इस कन्फेशन देने के पहले सेम प्रोसेस होती है कि पहले ओथ लेना पड़ता है, जैसे कि विटनेस से ओथ दिलवाया जाता है और फिर रिकॉर्ड करते हैं स्टेटमेंट। रेप केस में
कन्फेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पुलिस ऑफिसर जो होता है वो विक्टिम को मजिस्ट्रेट के सामने लेके आता है और फिर विक्टिम जो है वो कन्फेशन करता है उसके ऊपर जो जो हुआ है, और मजिस्ट्रेट बाउंड होता है स्टेटमेंट लेने के लिए, जो कि बाद में रिलीवेंट कोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अगर जैसे कि रेप केस है तो वो सेशन कोर्ट में चलेगा, तो सेशन कोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। सेक्शन 24 क्या बोलता है? जो भी कन्फेशन एक्यूज्ड द्वारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में किया जाता है वो इररिलीवेंट होता है, अगर जब उसे कोई इंड्यूसमेंट किया हो, प्रलोभन दिया हो, थ्रेट धमकी दी हो, या उसको कोई प्रॉमिस किया गया हो किसी अथॉरिटी द्वारा कि अगर तुम ऐसा कन्फेशन करोगे तो तुमको छोड़ दिया जाएगा या फिर तुमको कम सज़ा होगी। तो अगर इस टाइप से कोई कन्फेशन करवाता है किसी अपराधी से तो वो इररिलीवेंट होगा और उसे कोर्ट नहीं मानेगी। बट जो इंड्यूसमेंट है, प्रलोभन है, वो रेफरेंस टू चार्ज होना चाहिए कि उसके ऊपर जो जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं उसके रेफरेंस में होना चाहिए। अगर उसके रेफरेंस में नहीं है तो फिर उसको इंड्यूसमेंट नहीं माना जाएगा। कन्फेशन शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू गेन और लॉस। किसी से फ़ायदा हो या नुकसान हो इसके ऊपर कन्फेशन डिपेंड नहीं होना चाहिए। या फिर जज को अपनी मेंटेलिटी नहीं बनाना चाहिए एक्यूज्ड के ऊपर अगर वो कुछ कन्फेशन करता है तो। सेक्शन 25 ऑफ CRPC बोलता है कन्फेशन टू द पुलिस। जो भी पुलिस के सामने कन्फेशन करता है इसका कोई मैटर नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि वो उस समय सरकमस्टेंसेस क्या हैं, वो इररिलेवेंट और इनएडमिसिबल होगा कोर्ट में। ओनली एक्सक्लूडेड कन्फेशन बट अदर देन द स्टेटमेंट आर एडमिसेबल, कांट कंपेल एक्यूज फॉर कन्फेशन। मतलब पुलिस कन्फेशन के लिए एक्यूज को फोर्स नहीं कर सकती। ओनली प्रेजेंस ऑफ पुलिस ड्यूरिंग द कन्फेशन डज नॉट मेक इट इररिलीवेंट। लेकिन अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन कर रहा है और पुलिस वहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कन्फेशन है वो इररिलीवेंट हो जाएगा। सेक्शन 26 बताता है कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी। अगर उसके ऊपर कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोपी जा रही है तो फिर उसको नहीं माना जाएगा, वो इररिलीवेंट होगा, इनएडमिसेबल होगा, और जब तक वो मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में नहीं लिया जाएगा कन्फेशन तब तक उसको कोर्ट नहीं मानेगी। कोई भी कन्फेशन के लिए ये कंडीशंस होना ज़रूरी है कि पहली बात जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो एक्यूज्ड द्वारा दिया होना चाहिए, वो भी पुलिस कस्टडी में, और नॉट अगर वो मजिस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है तो फिर उसको नहीं एडमिट किया जाएगा। ये सेक्शन 26 में बताया गया है। सेक्शन 27 बताता है कि जो एक्यूज्ड कन्फेशन करता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको, इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, उस इन कन्फेशन को तो हम इररिलीवेंट मानेंगे, बट उसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी है और उससे कुछ रिकवरी हुई है तो वो कोर्ट में एडमिट होंगे और एडमिसिबल होगा। सबसे पहले उसके लिए क्या एसेंशियल है इस सेक्शन 27 के लिए कि फैक्ट्स डिस्कवर होना चाहिए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो, वो अगर पुलिस कस्टडी में है तो ये सेक्शन 27 उस पर अप्लाई करेगा। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरे सारे वीडियो देखिए, ये काफ़ी यूज़फुल हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच।